हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया की सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया लेके आए हैं जो निकल रही है ड्राइवर और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो हाई कोर्ट की जो वैकेंसी अटकी हुई थी वो फिर से इसके आवेदन शुरू हो गए। तो इसमें कैसे आवेदन करने होंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और इसकी जो स्टडी मटेरियल्स है कहाँ से फ्री में खरीदे, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज दिखा देते हैं। तो 3,678 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया जारी हुई है हाई कोर्ट की, जिसमें आपको ड्राइवर और जो है पियोन की पोस्ट मिलेगी, यानी कि चतुर्थ कर्मचारी की यहाँ पोस्ट आपको मिलेगी। जिसमें बात करें जनरल को, तो जनरल को यहाँ 1281 वैकेंसी मिलेगी, यानी कि जनरल को। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस को यहाँ 326 वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद में बात करें एससी की, तो 472 वैकेंसी एससी को मिलेगी। एसटी को यहाँ 388 वैकेंसी मिलेगी। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को 534 वैकेंसी है ओबीसी को मिलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया की आपको बुक भी फ्री में दी जा रही है। बुक और जो स्टडी मटेरियल है वो संदीप ज्ञान के द्वारा आपको फ्री में दिया जाएगा। तो 3-4 दिन बाद में हम आपको बुक दे देंगे और इसका स्टडी मटेरियल है हम जैसे ही इसकी फॉर्म स्टार्ट होंगे इसमें आपको दे देंगे। तो इसमें एमबीसी को भी कितनी वैकेंसी है, 158 वैकेंसी है एमबीसी को मिल रही है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है टीएसपी एरिया, जो टीएसपी यानी कि जो टीएसपी है, हम पहले आपको ये जो वैकेंसी दिखा रहे थे वो नॉन टीएसपी थी, अब जो वैकेंसी दिखाएंगे टीएसपी। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है वो डिटेल्स देख सकते हो। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नॉन टीएसपी एरिया, तो यहां जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो। अब हम आपको इस भर्ती प्रक्रिया की और डिटेल्स समझा देते हैं। अभी इस नोटिफिकेशन में जो आपको बताया गया है इसमें फिजिकल फिटनेस, यानी कि फिजिकल फिटनेस किस प्रकार की होनी चाहिए। तो नॉर्मली इसमें यह बताया गया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मली आपको स्वस्थ होना है शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे, ठीक है। यहाँ दो पॉइंट आपको यहाँ बताया गया इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको बताया है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी जो है शारीरिक विकराल ना हो कि आपका जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं किया जाए। इसके बाद में राष्ट्रीयता क्या रखी गई है, इसमें राष्ट्रीयता ये रखी गई है कि आप भारत का नागरिक हो, यानी कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी राज्यों की वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ एज क्राइटेरिया भी समझाया गया है, चतुर्थ कर्मचारी कार्यालय चपरासी। इसके बाद के पद सीधी भर्ती का कोई भी अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति, यानी कि जो आवेदन प्राप्त होंगे यहाँ 1 जनवरी 2020 को 18 से 40 वर्ष के बीच है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ काफ़ी आपको छूट मिल रही है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, यहाँ आपको मेरे हिसाब से ग्रुप डी की वैकेंसी मिल रही है, छोटी वैकेंसी है, लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, ठीक है मित्रों, ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसमें ये बताया गया है यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिल रही है, यानी कि यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको बड़ा फायदा है और यदि आप महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको भी काफ़ी मौका इसमें मिल सकता है। इसके बाद में हम आपको जो जिले वाइज लिस्ट जारी हुई है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद में यहाँ परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, यानी कि इस बार इस भर्ती प्रक्रिया को एग्जाम द्वारा है जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, तो एग्जाम फीस आपसे ली जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो सामान्य और जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं ₹150 आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा अथवा प्रत्यागी दिव्यांगजन, महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स को भी यहाँ ₹100 आवेदन शुल्क के तौर पर देना पड़ेगा। इसके बाद में परीक्षा शुल्क भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में सीधा परीक्षा की स्कीम क्या है, तो इसमें देख सकते हो स्कीम क्या है, परीक्षा किस प्रकार होगी इस बार, यानी कि कार्यालय चपरासी की पोस्ट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू है, यानी कि 85 नंबर की आपकी एग्जाम होगी, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फोर्थ ग्रेड में ये इंटरव्यू क्या इस बार जोड़ दिया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे इंटरव्यू खत्म है, लेकिन ये जो है वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट में फोर्थ ग्रेड के लिए इंटरव्यू ले भी सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसीज थी उनका इंटरव्यू हटा दिया गया है। इसके बाद में पेपर दो भाषा में होगा
और मैट्रिक लेवल का पेपर होगा, यानी कि 10वीं पास का जो पेपर होगा इसमें सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी, यानी कि इसमें दो भाषा जो है शामिल की जाएगी। इसके बाद में इसमें जो है खंड आपको मिल रही है प्रथम खंड सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी, यानी कि एसएससी एमटीएस का यदि आपने पेपर क्लियर किया है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में जो है लग सकते हैं। और इसके बाद में ये आता है राजस्थान संस्कृति जो बोलियां, ये जो वैकेंसीज है राजस्थान से निकल रही है, इसलिए राजस्थान की जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। हम आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों की बुक्स हैं वो भी देंगे फ्री में, वो आप कैसे लेंगे वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट में हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि फ्री में बुक कहाँ से खरीदें। यदि आप 300-400 रुपए की कोई बुक लेते हो वो बुक हमारी टीम आपको 100 रुपए में घर पहुंचा देगी, तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो आप हमें इसकी राय दे सकते हो किस प्रकार हम आपको बुक भेजें, या पोस्ट द्वारा भेजें या किसी कॉरियर द्वारा भेजें, वो आप हमें डिटेल दे सकते हो, या किसी स्टूडेंट को बाई हैंड इसमें भिजा सकते हैं। इसके बाद में इसका सिलेबस आपको बताया है, यानी कि इसका सिलेबस आपको बताया है, और जो है क्वालिफिकेशन मार्क कितने हैं वो भी आपको बताए हैं, क्वालिफिकेशन मार्क कितना है वो भी आपको बताया गया है। यहाँ लिखित परीक्षा का जो है इसमें बताया गया है शेड्यूल, वो शेड्यूल देख सकते हो। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में यहाँ जो है आपको हिंदी की व्याकरण है, जनरल हिंदी है पूरी की पूरी याद करनी है, पूरी की पूरी पेपर में आएगी। इसके बाद में यहाँ देख सकते हो संख्या सर्वनाम आप समझ सकते हो। इसके बाद में जो है जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश की जितनी ग्रामर है वो आपको रट लेनी है, यानी कि इसमें ये हुआ कि एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी में जो यहाँ रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद वो क्वेश्चन यहाँ लिए जा सकते हैं इन दो पार्टों में। इसके बाद में राजस्थान कल्चर एंड डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये बताया गया है कि जो राजस्थान की कहावतें हैं मुहावरे हैं बोलियां हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है, राजस्थान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान की जो है जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान की वेशभूषा किस प्रकार की है, राजस्थान के मेले कौन कौन से हैं, त्यौहार कौन कौन से हैं, राजस्थान की जो दर्शनीय स्थल कौन कौन से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाएंगे, वो भी हमारी टीम आपको फ्री में बताएगी। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी हमारे से 14 लाख स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हो हमारे 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ऑलरेडी आप भी जुड़ सकते हैं हमारी टीम से और फ्री में सरकारी नौकरी की अपडेट और इसी के साथ साथ फ्री में आप बुक ले सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ फॉर्म अप्लाई करने की, तो फॉर्म जो है अप्लाई होगा यहाँ देख सकते हो 18/11 से, 18/11 से फॉर्म अप्लाई होगा। इसमें हम आपको जिले वाइज लिस्ट दिखाएंगे मित्रों, अभी काफी समय है, वीडियो काफी लंबा है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। 18/11 से फॉर्म स्टार्ट होगा जिसकी लास्ट डेट है 17/12, यानी कि आपको एक महीने तक इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद में हम आपको इसकी जो है जिले वाइज लिस्ट दिखा देते हैं, क्योंकि जो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, नेक्स्ट जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, इससे पहले हम जिले वाइज लिस्ट आपको दिखा देते हैं। ये है जिले वाइज लिस्ट, तो प्रथम यहाँ आपका जो जिला निकल के आता है यहाँ देख सकते हो कैटेगरी वाइज, यानी कि जो जनरल है, जो EWS है, SC है, ST है, OBC है, कितनी कितनी वैकेंसी आपको मिल रही है। यदि हम बात करें अजमेर न्यायिक क्षेत्र, यानी कि अजमेर जिले में आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी, 217, तो बड़ी वैकेंसी है। यदि आप पटवारी, राजस्थान पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, यानी कि सरकारी योजना न्यूज़ की, उस लिंक पर जाके आप जो है फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। किसी प्रकार का जो है आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल आपको उस लिंक पे जाना है और वहाँ से आप फ्री जो है प्रैक्टिकल टेस्ट शेड्यूल भी आप देख सकते हो, किस प्रकार का रिटर्न एग्जाम होगा वो भी आप वहाँ देख सकते हो। तो एक बार प्लीज़ इस पर विजिट जरूर कीजिए। इसके बाद में अलवर में कितनी वैकेंसी है, 162 वैकेंसी है। बालोतरा में 114 वैकेंसी है। इसके बाद में बारह में 78 वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके बाद में आपको भरतपुर में 146 वैकेंसी मिलेगी, भीलवाड़ा में 149 और बीकानेर में 85 और बूंदी में 61 वैकेंसी, चित्तौड़गढ़ में आपको 170 वैकेंसी, चूरू में आपको यहाँ 86 वैकेंसी मिल रही है, चूरू में, दौसा में आपको 66 वैकेंसी मिल रही है, धौलपुर में 72 वैकेंसी आपको मिल रही है, हनुमानगढ़ में आपको 101 वैकेंसी मिल रही है, जयपुर महानगर में आपको 82 वैकेंसी, जयपुर ज़िले में आपको 110 और इसके बाद में जैसलमेर 49 वैकेंसी, जालौर न्यायिक क्षेत्र में आपको 68 वैकेंसी, झालावाड़ में 90 वैकेंसी। यदि हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में 65 वैकेंसी। इसके बाद में जोधपुर महानगर न्यायिक क्षेत्र में आपको 52 वैकेंसी, जोधपुर जिला न्यायिक क्षेत्र में 52 वैकेंसी, करौली न्यायिक क्षेत्र में आपको 58 वैकेंसी। और आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हो SC ST OBC को कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है, वो भी आप मैच कर सकते हो। इसके बाद में कोटा में कितनी वैकेंसी आपको मिल रही है, 141 वैकेंसी, मेड़ता में कितनी वैकेंसी है, पाली में कितनी वैकेंसी है, राजसमंद में। तो ये है मित्रों इसमें
बात कर लेते हैं सेकावाटी के सीकर की। तो सीकर के काफी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हो 94 वैकेंसी है सीकर से निकल के आ रही है, क्योंकि हमने जो पिछला गिववे किया था बुक का वो सीकर में किया था, तो काफी स्टूडेंट्स बुक लेने आए थे फ्री में, और उनको 70 या 80 बुक फ्री दी गई थी हमारी टीम के द्वारा राजस्थान पुलिस की। पिछली जो एग्जाम हुई थी 70 बुक हमारी सीकर में अकेले यहाँ जो है बांटी गई थी फ्री में, तो यहाँ 70 80 बुक आपको दी गई थी। लेकिन अभी जो है हम अब जिला आपको बताएंगे कि किस जिले से आपको ये फ्री में बुक लेनी है, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी या जो है डाक द्वारा ये भेज दिया जाएगा। इसके बाद में टोंक में कितनी वैकेंसी है वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। तो मित्रों ये देख सकते हो पूरी लिस्ट आपको यहाँ बताई गई है, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया की आपको बताई गई है यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बड़ी वैकेंसी आ गई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यदि आप जाना चाहते हैं तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप यहाँ भी देख सकते हो www.sc.sc.raj.nic.in पर जाके आप इस भर्ती प्रक्रिया की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।